Hello students. I am Priyanka and I am your mentor. Today we'll start with the chapter number 11 that is Festivals and Celebration. Let's kick start. Write the name of 6 festivals you celebrate and circle the one you like the most. Now, India is a country of festivals. A festival is a time for celebration and fun we celebrate different kinds of festival national festival religious festival and harvest festivals indians are very fond of festivals festivals are associated with fun joy singing dancing and colorful clothes some festivals are celebrated by everybody in all the states of india भारत देश है वो त्योहारों का देश है हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं कुछ त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं कुछ त्यौहार हमारे धर्म से संबंधित होते हैं जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाते हैं उसमें हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं नाचते हैं गाते हैं मज़े करते हैं और ये त्यौहार सबके द्वारा मनाए जाते हैं और कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो पूरे भारत देश में ही सब लोगों द्वारा मनाए जाते हैं नेशनल फेस्टिवल्स द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती

Thus, this day is celebrated as Independence Day. In our country, the main functions are held at the Red Fort in Delhi. The Prime Minister hoists the national flag and addresses the people of India on this day. The whole nation remembers the freedom fighters who died for the independence of our country. The schools and colleges. ऑल्सो सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बाई ऑर्गेनाइजिंग मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स चिल्ड्रेन बिकम फ्रीडम फाइटर एंड टेक पाट इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है हमारे भारत देश को स्वतंत्रता पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस में मिली थी हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था बहुत से वीर जवानों ने अपनी जान गंवा कर हमें आज़ादी दिलाई और ये त्यौहार आज तक हमारा देश बहुत ही उत्साह से मनाता है और उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाईं द रिपब्लिक डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द राजपथ इन न्यू डेली द आर्म फोर्सेस पुलिस स्कूल चिल्ड्रेन एंड Folk dancers take part in a special parade. The President of India take the salute. The main attraction of the Republic Day Parade are the tabliers from different state. Bravery award winners also take part in the parade. Now it's time to take bits. रिपब्लिक डे इज अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल और देअ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक डे को गणतंत्रता दिवस भी कहा जाता है हमें अपनी गणतंत्रता 26 जनवरी 1950 में मिली थी इसका मेन फंक्शन राजपथ नई दिल्ली में होता है बहुत से स्कूल के बच्चे पुलिस फोर्सेस सब इस फंक्शन में सब गणतंत्रता दिवस में अपना योगदान देते हैं और परफॉर्मेंसेस करते हैं और हमारे भारत के राष्ट्रपति सल्यूट लेते हैं और इस दिन हमारे देश में और नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं Now we are coming to Gandhi Jayanti. The birthday of Mahatma Gandhi is on 2nd October. Gandhi fought with non violent means against the British for making our country free. He dedicated his entire life for the well being of people. This is why he is called the father of our nation. His birthday is celebrated as a national festival to pay him homage. The main function is held at the Raj Ghat in New Delhi. It is the samadhi of Mahatma Gandhi. The prime minister, president, all the minister and high officials pay their respect at the samadhi. Prayer meetings are held in every state of India. Gandhi Jayanti गांधी जयंती वाले दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश को आज़ाद करने में गुजार दी और हमारे देश के जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सब राजघाट जाके महात्मा गांधी जी की समाधि पे उन्हें सम्मान देते हैं नाउ religious festivals some religious festivals celebrated in our country are holi dashera diwali durga puja guru Pura, christmas eid ul fitr eid zuha navroz ganesh chaturthi etc we will learn about some of them in this chapter now the first one is holi the festival of color is mainly celebrated in north india in the month of March. In this month, the weather is neither neither hot nor cold. Men, women, and children throw colored powder called gulal and water on one another. It is the time when each crops is fully ripe. Holy, holy, Rango ka mana jata hai. isliye is din sabhi bache, bude, orte, or admi. एक दूसरे को गुलाल लगा के इसको मनाते हैं और इस त्योहार का मतलब ये भी है कि इस टाइम तक व्हीट क्रॉप्स हमारे पूरी तरीके से पक चुके होते हैं नाउ दशहरा दशहरा ऑल्सो कॉल्ड विजया दशमी मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल ऑन दिस डे लॉर्ड रामा इज सेट टू हैव किल्ड रावना रामलीला इज स्टेज फॉर टेन डेज ड्यूरिंग दशहरा दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन बेंगाल एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स द इफिगीज ऑफ रावण, कुंभकर्णा एंड मेघनाथ आर बशहरा दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन अच्छाई के ऊपर जीत हुई थी इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था दिवाली Diwali or Deepavali is called the festival of lights. On this day Lord Rama had returned to Ayodhya after 14 years of exile. Since then Diwali is celebrated to mark this day of this return. The houses are cleaned and decorated to welcome Lakshmi the goddess of wealth. Houses are decorated with diyas, candles and lights. एवरीबॉडी बड़ी न्यू क्लोथ स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज दिवाली रोशनी का त्यौहार है इसी दिन भगवान राम अपना वनवास काट के अपनी अयोध्या में वापस लौटे थे इसलिए इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है लोग अपने घरों को साफ करते हैं और दियो से सजाते हैं फूल लगाते हैं अपने घरों में और अपने घरों में नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं गुरुपूरम इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द गुरुज द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे प्रेयर्स आर हेल्ड इन द गुरुद्वारा एंड रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लांगर्स इन ऑल द गुरुद्वार ऑन दिस डे गुरुपूर्व गुरुओं का त्यौहार होता है इस दिन गुरुओं को पूजा जाता है और इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे में जाके उनके लिए प्रार्थना करते हैं और इसका जो मेन फंक्शन है वो गोल्डन टेंपल अमृतसर में आयोजित किया जाता है और वहाँ सभी लोगों के लिए लंगर बनवाया जाता है और बांटा जाता है ईद उल फितर ईद इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स It marks the end of a month long fasting period which is called Ramzan. People after namaz in mosques, after namaz people embrace each other and wish Eid Mubarak. Seviyan, a special sweet dish is prepared on this day. New clothes are distributed to the poor. Eid ka hi Fitr hota hai. Yeh चालीस दिन के रमज़ान के बाद आता है मुस्लिम लोग चालीस दिन का कठोर व्रत करते हैं उसके बाद ही ईद आती है और इस दिन सेवैयाँ बनाई जाती है और नए कपड़े गरीबों में बांटे जाते हैं क्रिसमस क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस एट होम the christmas trees are decorated and cakes are specially baked gifts are exchanged between relatives and friends children wish to receive gifts from santa claus christmas day ko जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और यह त्यौहार 25 दिसंबर को आता है इस दिन सभी लोग चर्च में पूजा करने जाते हैं और अपने घरों में केक बनाते हैं इस दिन गिफ्ट एक दूसरे को बांटे जाते हैं सेंटा क्लॉज भी सबको गिफ्ट बांटता है नवरोज इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बाय पारसीज एज देर न्यू ईयर डे इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन इज वेलकम्ड विथ होम्स आर डेकोरेटेड एंड क्लीनड Rangolis are made and new clothes are worn. People exchange greetings and sweets with each other. Prayers are held at the fire temple. People often people offer thanksgiving prayers by offering sandalwood sticks to the fire. Faluda, milk with rose essence, is the traditional drink prepared on this day. पुलाव रिच विद अ मस्ट फॉर द लंच ऑन नवरोज नवरोज पारसियों का त्योहार है इस दिन पारसी वर्ष मनाते हैं उनका नव वर्ष का त्यौहार नवरोज कहलाता है और यह प्रतीक होता है कि सर्दियां जा रही हैं और स्प्रिंग सीजन आ रहा है द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मेनी फेस्टिवल्स इन आर कंट्री आर लिंक टू द हार्वेस्टिंग ऑफ Crops. the farmers are happy at this time some of the festivals are besaki bihu onam pongal etc the first one is besaki besaki is the harvest festival of north india it is celebrated on 13th april every year the farmers in punjab start harvesting wheat crop on this day गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेड खालसा पंथ ऑन दिसमेन परफॉर्म भांगड़ा एंड ऑन द बीट ऑफ द ड्राम बैसाखी फसलों का त्यौहार है इस दिन गेहूँ की फसल की कटाई होती है और यह त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है और तेरह अप्रैल को आता है जितने भी किसान होते हैं पंजाब के वो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं सारे औरतें बच्चे आदमी नए कपड़े पहनते हैं और भंगड़ा और गिद्दा करते हैं बीहू बीहू इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। इट इज सेलिब्रेटेड थ्री टाइम्स इन अयर द गर्ल्सर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड परफॉर्म बीहू डांसेस द मेन अट्रैक्शन ऑफ द बीहू फेस्टिवल आर बॉर्नफाय सिंगिंग एंड डांसिंग एंड फीस्टिंग, बीहू असम का फसलों का त्यौहार है और यह साल में तीन बार मनाया जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनते हैं और बीहू डांस करते हैं नाउ टिट्स एंड बिट्स इन कर्नाटका पोंगल फेस्टिवल इज कॉल्ड मकर संक्रामना एंड इन आंध्र प्रदेश इट इज कॉल्ड संक्रांति पोंगल Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated for three days in the month of January every year. It marks the harvesting of rice. People draw columns to decorate their house. Rain god, sun god, and cows are worshipped. Rice cooked in milk and jaggery is called Pongal. The cows are fed with Pongal rice now onam onam is a harvest festival of kerala it is also called the festival of flowers it is celebrated in the honor of king mahabali the main attractions are the snake boat races and the decorated elephants a special meal called onam sadhya is served on bananas leaf now it's time to looking back we generally celebrate national, religious, and harvest festivals. The national festivals are Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. The Shara, Diwali, Eid, Durga Puja, Guru Pura, Christmas, etc., are some of the religious festivals. The harvest festivals include besaki Bihu, Pongal, Onam, etc. The national festivals are celebrated in all the states of India and by everybody. Thank you, children. Now it's time to take a goodbye. So, we'll meet in the next chapter.